धार्मिक सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा दो दिवसीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आज भव्य शोभा यात्रा एवं महाप्रसादी के साथ हुआ समापन। अक्षय तृतीया पर परशुराम जन्मोत्सव के तहत प्रातः धारेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज ने सपत्निक रुद्राभिषेक किया। कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गयी। इस अवसर पर मंदिर परिसर में मातृशक्ति ने धार्मिक भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। दोपहर 12 बजे बसंत विहार स्थित परशुराम मंदिर पर ब्राह्मण समाज एवं सनातनी बंधुओं द्वारा भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पूजा अर्चना के पश्चात आरती की गई, जिसमें मुख्य रूप से डिप्टी कलेक्टर वीरेंद्र कटारे, समाज अध्यक्ष विश्वास पांडे, कार्यवाहक अध्यक्ष धर्मेंद्र जोशी, संयोजक डॉक्टर अशोक शास्त्री, शोभा यात्रा प्रभारी ऋषि भार्गव, सचिव प्रवीण शर्मा, सुधीर त्रिवेदी, गोटू शुक्ला, प्रेम रावल सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। शाम को गोधूरी बेला में धारेश्वर मंदिर प्रांगण से भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा आरम्भ हुई, जो शनि गली, आनंद चौपाटी, जवाहर मार्ग, मोहन टाकीज, घोड़ा चौपाटी होकर लाल बाग पहुँची। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज की महिला शक्ति व पुरुषों ने भाग लिया। महिलाएं ड्रेस कोड व साफे बांधकर धार्मिक भजनों पर नाचते गाते चल रही थी। शोभा यात्रा का अनेक स्थानों पर राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने मंच लगाकर भगवान परशुराम जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर एवं समाज बंधुओं पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। भव्य शोभा यात्रा का लालबाग में महाआरती के साथ समापन हुआ। तत्पश्चात भोजन प्रसादी के साथ दो दिवसीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव का समापन हुआ। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। Subscribe now to most exciting channel ever.